78 का टारगेट पूरा करने के लिए और 7 विकेटों से जो है इंग्लैंड ने फतह हासिल की। लेकिन इंडिया हारा, बुरी तरह हारा, लेकिन जो इस मैच की खास बात है और जो इंग्लैंड 3-0 जीता न्यूजीलैंड से, ये चौथी लगातार फतह है इंग्लैंड की अंडर बेन स्टोक्स एंड ब्रेंडन मैकलम। इट हैज क्रिएटेड अ एक्साइटिंग सिनेरियो फॉर टेस्ट क्रिकेट, साफ सीधी बात है। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, पूरा वीडियो आपको आगे देखने मिलेगा। उससे पहले मैं एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूँ, पहले वो देखते हैं फिर उसके बाद करते हैं। ये जो मैच हुआ है बिल्कुल मतलब एक तरफा मैच हुआ है, एक अलग तरीके की ब्रांड की क्रिकेट खेल रहा है इंग्लैंड, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आगे छोटा सा एक मेरा रिव्यू है। टैग द आयुर्वेदा कंपनी के 3 प्रोडक्ट मैंने पिछले 10 दिन से लगातार यूज़ किए थे, उसके बाद ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। पहले ये वीडियो देखते हैं। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया है और एक खास ऑफर के बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा इस वीडियो रिव्यू वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों ये है टैग द आयुर्वेदा कंपनी का फेस स्क्रब विथ 24K गोल्ड डस्ट। आपने डेफिनेटली लाइफ में कभी ना कभी फेस स्क्रब यूज़ किए होंगे, तो आप एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना। मैं पिछले 10 दिन से इसको यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने ये रिव्यू वीडियो बनाने का सोचा। तो आप देख सकते हो फेस में कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपका फेस ज़्यादा ड्राई है तो आप थोड़ा सा वाटर मिक्स करें इसके साथ, जिससे कि आपको आगे जो मोशन है उसमें आसानी होगी, सर्कुलर मोशन में आसानी होगी। और आप इसको 1-2 मिनट तक अपने फेस पर अप्लाई करें, घर में है कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से अप्लाई करें। साथ में आप नेक वाले एरिया में भी कर सकते हो, क्योंकि वो भी एक्सपोज़र होता है उस एरिया का काफ़ी ज़्यादा, तो उस एरिया में भी कर सकते हो। बियर्ड लुक है तो आपको जहाँ जहाँ आपकी बियर्ड नहीं है वहाँ वहाँ अप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद मैं इस कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा पर्सनली यही प्रोडक्ट पसंद आया है। आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और जाकर परचेस कर सकते हैं। एक ऑफर भी है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों पहले इसका दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फिर बताते हैं ऑफर के। तो दोस्तों टैग द आयुर्वेदा कंपनी का मैं सेकेंड प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, फेस वॉश। मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए अपना पर्सनल फेवरेट फेस वॉश को 10 दिन के लिए छोड़ा और इसका रिव्यू वीडियो बनाने के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं रिव्यू वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस फील हुए। स्टार्टिंग में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने 1-2 दिन जब ट्राई किया तो मुझे लगा कि यार ये तो कुछ अलग है, ये प्रोडक्ट अलग है। फेस वॉश ऑब्वियसली आपको पता है कैसे यूज़ करना है। मेरे थोड़े से हेयर बड़े हैं, इस वजह से मैं हेयर बैंड लगा के यूज़ करता हूँ, जिससे मेरे हेयर मेरी आंखों पर ना आए। फेस वॉश अप्लाई मैं दिल से करता हूँ, घर में आपको कोई नहीं देख रहा होता है। 1-2 मिनट तक अप्लाई करिए, एंजॉय करिए फेस वॉश लगाते वक्त। और गाइज आपको बता दूं कि ये फेस वॉश अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगा और एक ऑफ़र भी है जिसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। प्लीज़ आप उस लिंक पे विज़िट करिए, आप ऑफ़र की जानकारी आपको वहीं पे भी मिल सकती है। मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताऊँगा कि वो ऑफ़र क्या है। तो दोस्तों फेस वॉश यूज़ करने के बाद अब मैं यूज़ कर रहा हूँ टैग द आयुर्वेदा कंपनी का सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको बता दूँ जनरली लोग बहुत कम यूज़ करते हैं, मैं भी नहीं करता था, लेकिन अब पता चला मुझे इसका इंपॉर्टेंस, तो अब यूज़ करना चालू किया है। अगर आप ज़्यादा धूप में रहते हैं तो 1-2 घंटे में अपने एक्सपोज़र वाले एरिया में अप्लाई करें, चाहे वो हाथ हो, नेक हो या फेस हो, हर जगह अप्लाई करें। तो ये वीडियो आपने देखा, ऑब्वियसली ये मेरा जेन्युइन रिव्यू था। 10 दिन तक मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, डेफिनेटली आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दिए हैं, आप वहाँ से जाकर ये खरीद सकते हो। और अगर आप 7 जुलाई से पहले खरीदते हो कोई भी इन तीनों में से एक प्रोडक्ट, तो आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा डिफरेंट, जो भी आप लेना चाहते हो। तो प्लीज़ जाए, इट हैज क्रिएटेड एक्साइटिंग सिनेरियो फॉर टेस्ट क्रिकेट, साफ सीधी बात अगर मैं करूं, बहुत एक ऐसा जबरदस्त सिनेरियो क्रिएट हो गया है कि ये एक टीम अब आती है जो बिल्कुल अपना स्टाइल चेंज कर रही है खेलने का। जैसा बेन स्टोक्स ने कहा कि हमने टॉस जब किया तो उसी वक्त हमने डिसाइड कर दिया था कि हम चेस करेंगे। फिर बेन स्टोक्स का ये कहना कि जी मैं तो चाह रहा था कि इंडिया 450 का हमें टारगेट दे, तो हम चेक करें कि क्या हम 450 चेस कर सकते हैं क्या। तो यू नो दे आर आउट टू रीडिफाइन द वे टेस्ट क्रिकेट इज प्लेड। सो फार दे हैव बीन सक्सेसफुल अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड इंडिया एंड दे डिजर्व ऑल क्रेडिट। वाई? बिकॉज न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक अच्छी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक है। अगर आप बोल्ट को लेते हैं, साउथी को लेते हैं, वैगनर को लेते हैं और दूसरे के बॉलर्स को लेते हैं,
इंडिया की भी बॉलिंग अटैक वर्ल्ड क्लास है, गिवन अगर आप बुमराह को लेते हैं, शामी को लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली सिराज एंड शार्दुल ठाकुर कुडंट लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस, प्लस जडेजा वाज आल्सो प्रीटी फ्लैट एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर। लेकिन यार जिस तरह से इंग्लैंड ने अप्रोच किया है इस चेस को 378 को, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैं था कि ठीक है यार, मतलब क्लोज मैच होगा ये, बड़ा मजेदार मैच होगा, लेकिन मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि 7 विकेटों से इंग्लैंड मारेगा। और कल 3 विकेट गिरने के बाद लीज जब रन आउट हुआ उसके बाद से तो टोटल रूट और जॉनी बेस्टो का खेल था भाई, सारा उन्होंने डोमिनेट किया एंड दे जस्ट डिडंट अलाउ द इंडियन बॉलर्स टू डू एनीथिंग एट ऑल, दे प्लेड एट विल। आज भी उन्होंने अपनी मर्जी से खेला है, जैसा दिल चाह रहा खेला, दोनों ने 100 किए एंड 260+ की पार्टनरशिप, व्हाट अ फैंटास्टिक मतलब डिस्प्ले ऑफ बैटिंग फ्रॉम बोथ ऑफ दीज गाइस एंड दे हैड वंडरफुल सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड नाउ अगेंस्ट इंडिया। बट जो ये तरीकेकार नया निकाला गया है खेलने का बाय मैकलम एंड बेन स्टोक्स, दिस इज रियली, आई मीन आई जस्ट वांट टू सी हाउ द अदर टीम्स आर नाउ गोइंग टू डू अगेंस्ट इंग्लैंड। आई वांट टू सी हाउ इंग्लैंड विल डू व्हेन दे गो एंड प्ले ओवरसीज नाउ। बट इज दिस अप्रोच सस्टेनेबल फॉर इंग्लैंड क्रिकेट, ये देखना है क्या ये मतलब आगे चल के इसी तरह खेल पाएंगे, इनको अलाउ किया जाएगा इसी तरह खेलना, क्या ये इसी तरह रन ओवर करते रहेंगे ऑपोजिशन को, ये देखना पड़ेगा। बट इट हैज एडेड अ न्यू डायमेंशन टू टेस्ट क्रिकेट एंड आई थिंक इट्स अ इंजेक्शन फॉर टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि गिवन दिस सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन टेस्ट क्रिकेट इज फेसिंग फ्रॉम T20 क्रिकेट, इंस्टेंट क्रिकेट, जरूरी है कि टेस्ट क्रिकेट को भी आप जो है एक नया, बिल्कुल एक नया फ्लेवर दें, आई थिंक इंग्लैंड हैज डन दैट। ऑल क्रेडिट टू इंग्लैंड यार, मैं कहता हूँ कि इंडिया ठीक है, डिडंट, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इंडिया ने उस तरह से नहीं खेला, खास करके फोर्थ इनिंग्स में उनके बॉलर्स ने वैसे बॉलिंग नहीं की या सेकंड इनिंग में उन्होंने बैट। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इंग्लैंड ने खेला और पहली पारी के बाद ऐसा लगा था कि शायद इंग्लैंड जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था, इंडिया ने वैसा ही कुछ खेल दिया, ऋषभ पंत ने इस तरीके का क्रिकेट खेला, लेकिन चौथी पारी में ही जो कमाल किया है यार, लग ही नहीं रहा था कि चौथी पारी वो खेल रहे हैं, पाँचवें दिन चौथे दिन बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग की। हालाँकि एक कैच छूटा था जो काफ़ी क्रूशियल टाइम पर छूटा था, बिहारी ने छोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो कैच हो जाता तो इंग्लैंड मैच ना जीता। इसके बाद बैन स्ट्रोक थे, आपको भी पता है, हालाँकि चांस बनते, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड, बहुत ही अलग तरीके की क्रिकेट खेल रहा है। शायद इसका मतलब रिफ्लेक्शन दूसरी टीम को पड़े, इंडिया को पड़े, इंडिया भी इस तरीके का क्रिकेट खेलने लगे, एग्रेसिव, मतलब टेस्ट मैच में भी पास फील्ड है, लेकिन मुझे लगता है ऐसी क्रिकेट बहुत दिन तक नहीं चल सकती। अब पता नहीं कितने दिन तक चलती है एग्रेसिव क्रिकेट इस तरीके की, क्योंकि टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं जो रूट, और काफ़ी टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं बेस्टो, तो वो खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि ऐसी क्रिकेट हर वक्त खेली जा सकती है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए था, फिर भी आप समझ सकते हो आप कोई मौका ही नहीं दे रहे, वो 3-4 का रन रेट मेंटेन ही कर रहे हैं, उनको एक ओवर में 1 या 2 हिट मारनी है, इस तरीके का गेम खेल रहे हैं। मैंने देखा था बेस्टो को फर्स्ट इनिंग में जब वो खेल रहे थे 64 बॉल पे 16 बनाए, जैसे ही विराट कोहली ने स्लैचिंग की वो बिल्कुल पूरा मामला ही चेंज हो गया। तो यार विराट कोहली ऐसा प्लेयर बहुत पसंद है मुझे, लेकिन उनसे रन नहीं बन रहे, स्लैचिंग पूरी प्रॉपर पुरानी वाली हो रही है, तो उनको भी कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। हो सकता है अगर इंडिया ऐसा कुछ खेलता कि जो टारगेट था 500 रन का होता तो शायद कुछ अलग रिजल्ट होता, मैच का ड्रॉ होता, हम सीरीज जीतते। लेकिन सीरियसली इंग्लैंड ने इस तरीके का खेल खेल दिया कि मतलब माइंडसेट ही उनका ऐसा लग रहा था कि यार मतलब सीरियसली 350 से ऊपर रन चौथी पारी में, चौथा पांचवा दिन नामुमकिन सा टास्क रहता है टेस्ट मैच में अगर आप पहले देखते होगे। लेकिन इंग्लैंड की अगर आप पिछली सीरीज देखें और ये मैच देखें तो आपको लगेगा कि यार ये कौन सा गेम चल रहा है, ये टेस्ट मैच चल रहा है या चल क्या रहा है, तो आप समझ सकते हो इस तरीके का गेम खेलने के बाद कोई बोलने के लिए बचता ही नहीं है। आपको क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें।